बहुत अधिक न बोलते हुए इतना निवेदन करता है अपने हमारे बीच में जोरदार ताली, क्योंकि समय का अभाव है, इन सबको फिर अपने मैदान में उतरना है। मेरे का और रुड़की की सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के मेयर, जब हम 22 तारीख को अपना हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसकी कुटिल दृष्टि के कारण ये चुनाव एक साल विलंब से हो रहा है। और जनप्रतिनिधित्व अगर किसी समाज में नहीं होता है तो उसके कारण वहां का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शासन और महानगर रुड़की के बीच का जो सेतु का काम करता है, अगर वो पुल नहीं होगा, वो पुल कमजोर होगा, तो यहाँ का विकास रुक जाएगा। और एक साल, ठीक 2 दिसंबर को एक साल होने वाला है, एक साल पहले चुनाव हो जाना चाहिए था, एक साल एक रुड़की पीछे चला गया है। और जब एक साल पीछे चुनाव होता है तो मेरा यह मानना है कि कम से कम 3-3.5 साल पीछे कोई शहर चला जाता है, कोई क्षेत्र चला जाता है। आज उन कुटिल चालबाजों को हम इस चुनाव के माध्यम से जवाब देना है। ये चुनाव हमारे पास मौका है, हमारे पास वोट का अधिकार है, उस वोट के माध्यम से उन कुटिल दृष्टि रखने वालों को हम जवाब दे सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ, आपसे मैं विनती करने आया हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि इस सेतु को जोड़िए। ना हमने देश के, राज्य के संपूर्ण 23 लाख परिवारों को इसलिए कवर किया है कि आपने, ये पहले भी सरकारें बनी है, पहले किसी ने विचार नहीं किया। हमने 23 लाख परिवारों को अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित करने का काम किया, ये आपके वोट के कारण हुआ। आप अपना वोट हमारे भाई मयंक गुप्ता जी को दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम रुड़की के लिए कोई कसर हम रुड़की के नहीं छोड़ेंगे। इनके लिए तो मेरा विशेष प्रेम रहेगा, मेरा पुराना साथी है, उनके लिए मेरा विशेष प्रेम रहेगा। आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और यहाँ से मेयर सहित तमाम जो हमारे 40 प्रत्याशी हैं सभासदों के, 1, 2, 3, 4, 40 के नाम लेना मेरे लिए।